सो हेलो दोस्तों, इस तरीके की ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने कैपकट ऐप से। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो दोस्तों अपने फोन में सबसे पहले आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही कैपकट ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर से इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अपनी वीडियो को ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों हमने ये वाली वीडियो ऐड की है, आप देख सकते हो ये वीडियो बिल्कुल ही नॉर्मल है, इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं है। अभी ये वीडियो दो ऐड हो चुका है तो एक को हम डिलीट मार देते हैं। दोस्तों आपको एक ही ऐड करना है, उसके बाद इसके वाटरमार्क को हम लोग यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये वीडियो के अंत तक चिपका ही रहेगा। तो अभी आपको वीडियो की शुरुआत में चले आना है और यहाँ पर से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपको इस वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको ऊपर में कॉमिक ढूंढ लेना है। दोस्तों थोड़ा सा इधर करोगे तो आपको एक कॉमिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली से इस कॉमिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे कर देना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी एन डब्ल्यू स्केच वाला ऑप्शन। तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है। तो दोस्तों आपको इस इफेक्ट को इस तरीके से अपनी पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है। तो मैंने भी पूरी वीडियो में अप्लाई कर लिया है। अभी आपको फिर से इस वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको ऊपर में जो बेसिक वाला ऑप्शन है उसको ढूंढ लेना है, ये रहा बेसिक वाला ऑप्शन। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर से ब्लर वाला एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस ब्लर वाले इफेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको डन कर देना है और उसके बाद इसको भी अपनी पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है यहाँ से खींच के। अभी दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करना है तो ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पूरी तरीके से सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ से एक बार बैक कर देना है और उसके बाद आपको ऊपर में बी एन डब्ल्यू स्केच वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस रिप्लेस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको नीचे कर देना है, सबसे आखिरी में एक नियॉन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये रहा नियॉन वाला इफेक्ट। तो आपको यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर से डन कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हमारी वीडियो में नियॉन वाला इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। अब इस वीडियो को भी आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो जब तक सेव हो रही है तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो दोस्तों जैसी वीडियो सेव हो जाएगी उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ से एक बार बैक कर देना है और उसके बाद आपको दोनों इफेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। दोस्तों बारी बारी से ये रहा डिलीट वाला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके बारी बारी से इस दोनों इफेक्ट को डिलीट कर देना। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ से बैक हो जाना है और इस ओवरले वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अभी आपको शुरुआत में जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था जो स्केच वाला वीडियो है तो उसको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों हमने भी ऐड कर लिया है, उसके बाद इसको जूम करके अपने पूरे फिट स्क्रीन में इसको अप्लाई कर लेना, इसको पूरा कवर कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको स्प्लाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सबसे अंत में चले जाना है, यहाँ एक डॉज का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर लेना है, तो मैं इसको अराउंड 30 के आसपास रखने वाला हूँ, आप भी इतना रख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है। तो अभी आपको यहाँ पर से एक बार बैक करके फिर से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों अभी आपको वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप सेकेंड बार में एक्सपोर्ट किए थे नियॉन वाली। तो दोस्तों इसको भी सेलेक्ट करने के बाद जूम करके अपने फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद फिर से आपको स्प्लाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक हार्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और इसकी ओपेसिटी को आपको 40 या 50 के आसपास रख लेना है। दोस्तों इतना रख लेने के बाद आपको डन कर देना है। तो आपकी ब्लैक इफेक्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लैक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी।